नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। विज्ञान विषय सुपर टेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। अंकों के हिसाब से देखें तो यह 10 है, लेकिन सूचना तकनीकी के हिस्सों को भी जोड़ लें और पिछले वर्ष के प्रश्नों के प्रारूप को यदि देखें तो लगभग 15 अंकों का मटेरियल विज्ञान विषय कवर करता है। पिछले कुछ दिनों से आप आर कुमार सर को लगातार संस्थान में विज्ञान विषय पढ़ाते हुए देख रहे हैं। वह एक जिम्मेदार शिक्षक हैं, बहुत ही सौम्य तरीके से अच्छे संप्रेषण के साथ वो विज्ञान विषय को पढ़ाते हैं, जिससे कि आप लोगों के समझ में चीजें आए, और देखा गया है कि उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। संस्थान की तरफ से सुपरटेट में भी विज्ञान विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी आर कुमार सर को सौंपी गई है। मैं आप सभी सदस्यों को सुपरटेट के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आर कुमार सर को भी शुभकामनाएं देता हूं कि जो इतिहास हम लोग इस बार लिखने चल रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी हिम्मत लगा देंगे और पुरजोर कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न उनकी लाइव क्लास से, उनके नोट्स से बाहर ना हो। और अगर सूचना तकनीकी के हिस्से को मिला के सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न बनते हैं तो 15 में से 15 प्रश्न उनके नोट से और लाइव क्लास से हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुछ देर बाद आर कुमार सर आपसे जुड़ेंगे विज्ञान विषय के पहले लेक्चर के साथ। संस्थान में सुपरटेट का बैच लगातार संचालित हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। ये प्राइमरी सुपरटेट का बैच है, मैं आपको बार बार स्पष्ट करता चल रहा हूं और लगातार स्क्रॉलिंग में डिटेल चल रहे हैं कि कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा एक जो है व्हाट्सएप नंबर भी है यहां पर, है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री सुपरटेट लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप जुड़ जाएंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कक्षाओं को प्रारंभ करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आपका सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं। जो लोग प्रवेश ले चुके हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, 2-3 फरवरी के बाद आपके पास रिप्लाई जाना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और आपको जोड़ने की प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये एक सामान्य सूचना थी, आप लोग विज्ञान विषय का आनंद लीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर धन्यवाद। अभी सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मिस्टर आलोक सर और मिस्टर रवि सर के निर्देशन में दुनिया के भारत के नंबर एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक ने लगभग हर परीक्षाओं में सफलता का कीर्तिमान बनाया है, सफलता के झंडे गाड़े हैं और सफलता के कीर्तिमान के उसी क्रम में एक और माइलस्टोन, एक और मील का पत्थर साबित करने के लिए संभावित 26,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए, जी हां, संभावित 26,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एक नया बैच दोस्तों चालू किया, एक नया बैच प्रारंभ किया है और इसमें दोस्तों 14 विषय हैं। 14 विषय को पढ़ने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे उन प्रश्नों पर चर्चा होगी, डिटेल में आपको क्लासेस मिलेंगी और मैं आपको सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से आने वाले सभी प्रश्नों पर चर्चाएं करूंगा। तो इसके पहले आपने यूपी टेट की परीक्षा पास की जिसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और सुपर टेट अर्थात शिक्षक भर्ती की फाइनल परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन तैयारी के लिए मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको समाज में एक नया मुकाम पाने के लिए, आपको शिक्षक बनने के लिए केवल एक ही सीढ़ी पार करनी है। आपने एक सीढ़ी पार कर ली, केवल एक सीढ़ी पार करनी है और इस सीढ़ी को आप पार कर लेंगे तो आप शिक्षक बन जाएंगे। शिक्षक भर्ती में आपकी एक पोस्ट पक्की है, तय है, और इस एक पोस्ट को पाने के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में सुपर टेट का अर्थात शिक्षक भर्ती का बैच जरूर ज्वाइन करिए। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपको दिए गए नंबर्स पर फोन करना है या फिर व्हाट्सएप करना है। हमारी काउंसलिंग टीम आपको एडमिशन प्रोसेस के हर एक प्रोसेस के बारे में, यानी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके हर एक प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में सारी जानकारी उपलब्ध कराएगी।
तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एंट्री सुपर टेट, आपको एंट्री सुपर टेट या फिर एंट्री एस्टेट ये लिख करके और 9125423936। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एंट्री एस्टेट या एंट्री सुपरटेट लिख करके 9125423936 ये लिख करके मैसेज करना है या दोस्तों इस नंबर पर आपको कॉलिंग करनी है और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमारी काउंसलिंग टीम आपको हर एक जो भी यहां पे प्रोसेस की जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो आपको हर एक जानकारी पूरी से अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब सुपर टेट में शिक्षक भर्ती में विज्ञान और कंप्यूटर का कौन सा सेगमेंट है जहां से प्रश्नों को पूछने का जो टर्म है ज्यादा होता है, यानी कहां से सबसे अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा कि प्रीवियस की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। जो विज्ञान की विषय वस्तु है वो कुछ इस प्रकार से है। यहां देखिए, अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो दैनिक जीवन में विज्ञान, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का तात्पर्य यह है कि देखिए, जैसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमें नींद आती है, ऐसा क्यों होता है, यह दैनिक जीवन का विज्ञान है। इसके अतिरिक्त बल्ब टूटने पर आवाज क्यों होती है, या बल्ब जब फ्यूज होता है तो काला क्यों हो जाता है, यह सब दैनिक जीवन का विज्ञान है। इसके अतिरिक्त गति से, यानी कि मोशन से, गति से प्रश्न बन सकते हैं, मोशन से, इसमें चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, इन सब से प्रश्न बन जाता है। तो इन सब पर हम विस्तृत आपसे अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद बल, तो जानकारी के लिए मैं कह दूं कि पिछली बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में बल से प्रश्न आया था कि सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है, यह प्रश्न यहां से बन चुका है। और इसके बाद ऊर्जा, तो ऊर्जाएं कितने प्रकार की है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, या गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है, ठीक है, ऐसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में भी प्रश्न जो है आ सकते हैं। दूरी, प्रकाश, प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकाश की चाल के विषय में, और सूर्य से प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है, आकाश नीला क्यों होता है, जल नीला क्यों दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल में और खतरे के निशान में लाल रंगों का प्रयोग ही क्यों करते हैं, और साइड मिरर में मोटर गाड़ियों के ड्राइवर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, आंख कान नाक गले के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। अन्य प्रश्न कहां से पढ़ेंगे हम, प्रकाश से पढ़ेंगे। अगर ध्वनि की बात करें तो महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों, ऐसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां होती है, ठोस में, द्रव में कि गैसों में। और फ्रेंड्स देखिए, जीवों की दुनिया अर्थात सभी जीवों के बारे में, जैसे सबसे छोटा जंतु कौन सा, अमीबा, सबसे बड़ा स्थली जंतु कौन सा, तो अफ्रीकन हाथी, सबसे बड़ा जली जंतु कौन सा, तो नील व्हेल मछली, पौधों और जंतु के बीच की कड़ी तो युगलीना, एकमात्र प्रकाश संश्लेषी जंतु युगलीना। तो ऐसे प्रश्न ये जीवों की दुनिया से आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं मानव शरीर की, तो मानव शरीर में मानव शरीर अंग तंत्र, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण की क्रिया या उत्सर्जन की क्रिया, कि वृक्क होता है, वृक्क क्या करता है, डायलिसिस किसे कहते हैं,
ऐसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, या फिर हमारा गुर्दा एक मिनट में कितने ब्लड को छानता है और गुर्दा कितना प्रतिदिन कितना मूत्र बाहर करता है, मूत्र का पेच मान कितना होता है, बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क का कौन सा भाग भय डर और जो निर्णय होता है इन सबको कंट्रोल करता है, तो ऐसे प्रश्न। उसके बाद स्वच्छता एवं पोषण, इसमें प्रश्न क्या पढ़ेंगे हम लोग, कचरे के बारे में, सूखा कचरा कैसा होता है, गीला कैसा होता है। और जहां तक मैं बात करूं पोषण की, तो न्यूट्रिशन में संपूर्ण आहार क्या है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी सब्जियां खानी चाहिए, ऐसे प्रश्न, या प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वृद्धि नियंत्रक कौन सा पदार्थ है, या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला कौन सा पोषक पदार्थ होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। अब देखिए मैं बात करूं पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकता अवस्थाएं, तो स्टेज क्या क्या होती है मैटर की, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, संघनन, तो ये पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में हम पढ़ेंगे कि किसमें आयतन और आकार निश्चित होता है, किसमें आयतन और आकार अनिश्चित होता है, आखिर प्लाज्मा की अवस्था विद्युत की सुचालक क्यों होती है, प्लाज्मा की खोज किसने की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की खोज किसने की। बाकी दोस्तों अम्ल के विषय में, अम्ल कैसे होते हैं, तो अम्लों का पीएच मान क्या है, या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल, चींटी और बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है, या सिरके में कौन सा अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल है, इन सभी प्रश्नों के बारे में कहां पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इस अम्ल वाले चैप्टर में। और अम्ल क्षार सूचक क्या होता है, लवण अर्थात सॉल्ट हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, और दोस्तों धातु और अधातु, यानी सबसे कठोर धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे नेगेटिव धातु कौन सी है, ठीक है, सबसे अघातवर धातु कौन सी है, अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, जैसे ग्रेफाइट, तो ऐसे प्रश्न हम यहां से पढ़ लेंगे। तो यही सारा सिलेबस आपका विज्ञान का है, और यहां से मिनिमम 10 क्वेश्चन ये सुपरटेट अर्थात शिक्षक भर्ती की परीक्षा में यहां से आएंगे। तो ध्यान रहे इन 10 प्रश्नों में से हमको 10 में 10 करना है। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको हम याद करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान अब यहां मैं जो भी आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा वो आपको 100% याद करवाऊंगा, यानी कि आप वीडियो को देखते ही चीजों को आसानी से याद कर लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको मैं 100% ट्रिक, यानी 100% आपको मैं ट्रिक दूंगा, और इन 100% ट्रिक के साथ 100% क्या मिलेगा आपको, आपको इतना ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। 100% ट्रिक्स के साथ 100% क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम किसी चीज को 100% ट्रिक और 100% कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो मिला करके क्या हो जाएगा, 200% अंडरस्टैंडिंग, यानी कि भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आप बिल्कुल इसको भूलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, आपको इस तरीके से मैं समान विज्ञान पढ़ाऊंगा। देखिए ऐसा क्यों फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कि शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग तैयारी करते हैं वो जीएस बहुत कम मात्रा में पढ़ पाते हैं। ऐसे में विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेगमेंट है जहां से कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। कुछ डिजीज पूछते हैं, जैसे वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, तो भाई विषाणु से होने वाले रोग रेबीज, खसरा, छोटी माता, ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, चेचक, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका पोलियो, पीलिया और हरपीज, गलसुआ,
एड्स, डेंगू, तो बहुत बीमारियां होती हैं, तो इन बीमारियों को हम कैसे याद कर ले, तो जादू बिल्कुल मिलेगा आपको। तो जादू वाली ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, और एक ही क्लास में जो चीजें आप हफ्ते भर में याद नहीं कर पाते, वही चीजें मैं आप याद करेंगे केवल एक घंटे की क्लास में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे और आज के बाद चिंता छोड़ दीजिए। विज्ञान में 10 क्वेश्चन फंसेगा आपका, 10 में से 8-9 क्वेश्चन चैलेंज के साथ में दिलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो 100% ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा आपको और 100% कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों आइए हम कुछ क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए जो पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान का मात्रक, ठीक है ना, मात्रक होता है और मात्रक से प्रश्न बनेगा, जरूर से बनेगा। जैसे कार्य का मात्रक क्या है, जूल, तो हम कहते हैं मिल जुल कर कार्य करे। जब ऐसा बोलेंगे मिल जुल कर कार्य करे तो इसमें क्या हो गया, इसमें दोस्तों जूल आ गया, तो जूल होता है। आवेश में आकर, आवेश मतलब क्या होता है, गुस्सा, आवेश में आकर सर कलम कर देना, तो आवेश मतलब चार्ज, कलम का मतलब गुलाम, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, गुलाम हो गया। ठीक दोस्तों, ऐसे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडल, तो ज्योति कौन क्या क्या है, लड़की है, और क्या जलाती है, कैंडल, उससे प्रकाश कैसे निकलता है, तीव्र निकलता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडिला। तो ध्यान रहे ऐसे ट्रिक के साथ आपको पूरे मात्रक, या कहे कि पूरे विज्ञान को मैं आपको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा कि ऐसी क्लास आपको किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों आइए हम मात्रक और बीमारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मात्रक, सबसे पहले शुरू करते हैं मात्रक की। मात्रक होता क्या है, यूनिट, इसे हम कहते हैं मात्रक। मात्रक देखिए, जैसे जब हम कोई पदार्थ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसको एक निश्चित मात्रकों के प्रयोग के साथ खरीदते हैं। जैसे अगर हम चीनी खरीदे तो किसी दुकानदार से ये कहे कि हमको 2 मीटर चीनी चाहिए, तो वो देगा नहीं देगा, भगा देगा। अगर उससे कहेंगे कि 2 किलोग्राम चीनी चाहिए तभी वो देगा। अगर हम किसी दुकानदार कपड़े वाली दुकान पर जाए और उससे कहे भैया हमको 2 लीटर कपड़ा चाहिए, तो देगा वो, कहेगा भक्त ये क्या होता है, जब तक आप कहेंगे कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए तब वो देगा आपको कपड़े, ठीक है। तो मात्रक क्या होते हैं, वस्तुओं को मापने के लिए और माप करके संख्यात्मक मान देने के लिए हम मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2 किलोग्राम शुगर अर्थात चीनी, तो ध्यान देना ये 2 क्या हो गया, संख्यात्मक मान है, ये हो गया संख्यात्मक मान, और ये केजी क्या है, यही हो गया मात्रक अर्थात किलोग्राम, क्या हो गया किलोग्राम, ये मात्रक हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया संख्यात्मक मान। तो किसी वस्तु को माप कर संख्यात्मक मान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं इसमें आगे, देखिए भाई जब हम मात्रक पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको पढ़ना पड़ेगा राशियां। राशियां क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, राशियां किसे कहते हैं और क्वांटिटी किसे कहते हैं, और राशियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं तो ध्यान दीजिए, जो राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहली राशियां भौतिक राशियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, पहली होती है भौतिक राशियां, और दूसरी क्या होती है, दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां। तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक राशियां, दूसरी दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां, दिशा और परिमाण के आधार पर। देखिए अगर मैं बात करूं भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां यानी वे राशियां होती हैं जो पदार्थों के भौतिक गुणों का मापन करती हैं। जैसे देखिए अब
मेरे हाथ में पेन है तो इस पेन की कुछ लंबाई है और लंबाई क्या है, भौतिक गुण है। इसका कुछ भार है पेन का तो इसका ये भौतिक गुण है, ठीक है ना, इसका क्या है भौतिक गुण है। और जब इस दोस्तों इस पेन में कुछ भार है, द्रव्यमान है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये सब क्या इसका भौतिक गुण है। तो भौतिक गुणों को मापने के लिए हम क्या होता है दोस्तों, भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भौतिक राशियां कुल तीन प्रकार की होती हैं, पहली कौन सी मूल राशियां, दूसरी कौन सी होती है संपूरक राशियां, जिन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, यानी वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अगर हम बात करें दिशा और परिमाण के आधार पर राशियों की, तो दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां दो होती हैं, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो अदिश और सदिश क्या है जरा इसको भी आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको जाना है 700 किलोमीटर, तो आपको जाना है 700 किलोमीटर, तो 700 किलोमीटर आप कहां जाएंगे, क्या इस 700 किलोमीटर में कोई दिशा है, यहां कोई दिशा दी गई है नहीं, केवल कहना है कि आपको जाना है 700 किलोमीटर, तो इसमें तो दिशा का ज्ञान है ही नहीं। अर्थात क्या करना है आपको, अगर मैं कहता कि आपको जाना है दिल्ली, तो भाई दिल्ली, अब देखिए जैसे मैंने ऐसा कहा कि आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली का नाम लेते ही आपके दिमाग में यह बात आ गई कि दिल्ली इस दिशा में पड़ता है और इतनी दूरी पर पड़ता है, यानी दिशा का ज्ञान भी हो गया। तो जहां दिशा भी हो और परिमाण भी हो वो होता है सदिश, और जहां केवल परिमाण हो वो क्या होता है अदिश। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां, और जो मूल राशियां होती हैं इनकी संख्या कुल मिलाकर के सात होती है। पहली होती है विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर है, फिर होती है पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल होता है, क्या होता है मोल होता है, और दोस्तों इसके बाद समय, ठीक है, क्या होता है समय जिसका मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है, द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, और तापमान जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। कुल सात मूल राशियां हैं और सातों मूल राशियों से मिलकर के अन्य राशियों का निर्माण होता है। और अगर मैं बात करूं संपूरक राशियों की, तो ये वे राशियां हैं जो मूल राशियों को पूरा करती हैं, रेडियन और स्टे रेडियन। अगर बात की जाए व्युत्पन्न राशियों की, तो ये अनंत होती हैं, इनका निर्माण मूल राशियों से होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अदिश राशियों और सदिश राशियों के बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या कि अदिश राशियां क्या है और कैसे इनको हम याद करें, क्योंकि प्रबल संभावना है कि अदिश राशियों और सदिश राशियों से ही सुपर टेट की परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो आइए पढ़ते हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां। राशियां और राशियों को पढ़ेंगे हम सबसे पहले दिशा और परिमाण के आधार पर। जैसा कि बताया मैंने दो राशियां होती हैं, दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक हो गई आपकी अदिश राशि, और एक हो गई सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि तो दो राशियां हैं, इन राशियों को कैसे हम याद करें। तो पहली बात तो आपको यह जानना है कि अदिश क्या होती है, तो ध्यान रहे ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण, इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही आवश्यक है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं कह दूं कि चार घंटा, तो चार घंटा में कोई दिशा है क्या, नहीं, तो भाई कोई दिशा नहीं है, तो कौन सी राशि होगा अदिश राशि। मैं कह दूं कि दो मीटर,
तो भाई 2 मीटर में कौन दिशा है? कोई दिशा नहीं है, तो क्या होगा? अदिश राशि। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही आवश्यक होता है उनको कहते हैं अदिश राशियां, यानी कि इसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण भी आवश्यक है, तो दिशा प्लस परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो राशियां दो हो गई, सदिश और अदिश। अगर मैं बात करूं इन्हें याद करने की कि इन्हें हम कैसे याद करें, देखिए शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बड़ी समस्या दोस्तों क्या होती है? 14 विषय है, 14 विषय को याद करना, और सबसे बड़ी बात है कम समय में याद करना। तो आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले की आवश्यकता है, आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स की आवश्यकता है जिसकी सहायता से चीजों को बहुत आसानी से याद करिए और एक ही बार में, एक ही प्रयास में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार ट्रिक के साथ पूरा राशि खत्म करूंगा। देखिए तो पहले क्या है, अदिश राशियां। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे। और देखिए, और ट्रिक क्या दोस्तों, देखिए ट्रिक है उस आर्द्रता को 2। अब इस ट्रिक के साथ हम चीजों को याद करेंगे और डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको हम याद करें। तो बस ध्यान रहे आपको कि अगर आपके दिमाग में है उस आर्द्रता को 2, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसको डिकोड करने की, तो ऊ से क्या होता है, ऊ से 2 चीजें होती हैं, ऊर्जा और क्या होता है ऊष्मा। तो ऊर्जा और ऊष्मा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है भाई। ऊर्जा में कौन दिशा है, ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होती। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों अदिश राशियां हैं। अगर मैं बात करूं सा, तो जैसा कि मैंने पहले बोला अभी आपसे कि समय 2 घंटे 4 घंटे, क्या इसमें कोई दिशा है? जी नहीं। तो ध्यान दीजिए, समय में कोई दिशा नहीं होती। तो समय क्या है, समय भी अदिश राशि है। अगर मैं बात करूं आ से, तो आ से क्या होता है, आ से होता है आयतन। ठीक, क्या होता है आ से होता है आयतन। तो आयतन में भी क्या है, आयतन में भी कोई दिशा नहीं होती। तो आयतन क्या है, आयतन भी आपका अदिश राशि है। अगर मैं बात करूं आवेश की, आवेश का मात्रक कूलाम, और आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। तो भाई आवेश में कोई दिशा नहीं होती, आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनकी सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, अर्थात उनमें आवेश उत्पन्न होता है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है, और 2 समान आवेश के बीच रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होता है, और 2 भिन्न भिन्न आवेशों के बीच आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन होता है। तो आवेश कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब इसके अलावा दोस्तों द्रा है, तो द्रा से क्या हो जाएगा, द्रा से हो जाएगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कौन सी राशि, द्रव्यमान आपका होता है अदिश राशि। और दूरी, दूरी को तय करने की दिशा नहीं होती, दूरी भी कौन सी राशि, दूरी भी होती है अदिश राशि। अगर हम बात करें आगे ता से, तो ता से क्या होता है तापमान, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 15 केल्विन है, तो इसमें दिशा नहीं होती, अर्थात ये कौन सी राशि होती है, तो ये भी होती है अदिश राशि। अगर मैं इसके आगे बात करूं, तो आगे लिखा गया है को, तो को से हम क्या समझ सकते हैं, को से हम समझ सकते हैं कार्य। ठीक, को से क्या हो जाएगा, कार्य। तो कार्य कौन सी राशि, कार्य अदिश राशि है, ध्यान देना। कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है, कार्य एक क्रिया है, कार्य का मान
लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे का से क्या हो गया कार्य, और चा की बात करें तो चाल, चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या होती है? एकांक समय में चली गई रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम तो क्या कहते हैं, यानी कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ध्यान देना चा से क्या हो जाएगा? चाल। अगर मैं बी की बात करूं तो वी से होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अतिरिक्त विभव पोटेंशियल, और इसके अतिरिक्त विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक। तो सभी क्या होता है? ये सभी अदिश राशियां होती हैं। और यदि बात करूं मैं दो की, तो दो से क्या होता है? दो से होता है दाब। देखिए लगभग लगभग उन सभी पॉइंट को मैंने यहां बताया है आपको ट्रिक से, जो प्रबल दावेदार है, प्रबल संभावित है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसे ही सारी क्लास मिलेगी, और ऐसे ही क्लास लेने के लिए इंडिया के टॉप मोस्ट नंबर एक ऑनलाइन स्टडी चैनल टारगेट विद आलोक में सुपर टेट का नया बैच शुरू हुआ है, और आप सभी लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडमिशन प्रक्रिया करना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें क्या करना है आपको, आपको 9125423936 इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में हर एक जानकारी प्राप्त करनी होगी, ठीक है दोस्तों। आप देखिए ये हो गया अदिश राशियां, इनको हम कहते हैं अदिश राशियां। तो इसको याद करने के लिए उस आर्द्रता को चाबी दो, उसे ऊर्जा और उष्मा, सा से समय, आ से आयतन और आवेश, द्र से द्रव्यमान और दूरी, त से तापमान, और क से कार्य होता है, च से चाल, वी से विद्युत धारा, विभव विभवांतर, दो से दाब होता है। तो ध्यान रहे इस तरीके से, इस ट्रिक से इसे आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो ध्यान देना इसको याद करने के लिए आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस एक और ट्रिक आपको याद करनी है, और ये ट्रिक है विषुवत बल। आपने क्या करना है? इस ट्रिक को याद करनी, विषुवत बल, और इस ट्रिक को याद करने के बाद इसको हम डिकोड करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, हम बहुत मजा आती है इसमें दोस्तों। वी से क्या होता है? वी से होता है विस्थापन, वी से क्या होता है? विस्थापन। अगर मैं बात करूं विस्थापन क्या है, तो भाई देखिए जैसे मान लीजिए ये किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, ये चली गई दूरी है। तो ध्यान देना किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है अर्थात सदिश राशि है, और ये क्या है? डिस्टेंस अर्थात अदिश राशि है। तो ध्यान देना बी से क्या होता है? विस्थापन, और सु से आप समझ सकते हो संवेग, तो संवेग, और वा से होता है वेग, और ता से क्या होता है? ता से होता है त्वरण। एंड फ्रेंड्स बल से क्या होता है? तो बल से तो बल होता है, यानी बल से बल हो गया। बल कौन सी राशि? सदिश राशि, क्योंकि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। तो ध्यान रहे जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो बल में क्या होगा? उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और वह वस्तु एक निश्चित दिशा में विस्थापित होगी। यही क्या होता है? बल। तो भाई वस्तु क्या हुई? वस्तु निश्चित दिशा में विस्थापित हुई, तो अर्थात दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? बल का बल क्या होगा? बल हो जाएगा आपकी सदिश राशि, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ध्यान देना। अब देखिए इसके अतिरिक्त अगर कोई राशि दी गई है, उस राशि के आखिरी में वेग है, आघूर्ण है, प्रवणता है,
या फिर तीव्रता है। अगर किसी राशि के आखिरी में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे वेग, आघूर, तीव्रता, प्रवरता, अगर किसी भी राशि के आखिरी में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि वह क्या होगा, सदिश राशि होगा। जैसे आवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सभी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अगर किसी राशि के आखिरी में आघूर है तो बल आघूर, जड़त्व आघूर, ये भी क्या है, सदिश राशि है। और अगर किसी राशि के आखिरी में प्रवणता है, चाल प्रवणता, दाब प्रवणता, तो अगर राशि के आखिरी में प्रवणता है तो क्या होगा, वह भी निश्चित रूप से सदिश राशि होगा। और अगर राशि के आखिरी में तीव्रता है तो क्या होगा, यह दोस्तों यह भी सदिश राशि होगा। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां याद करने के लिए इससे बढ़िया फंडा, इससे बढ़िया टेक्निक आपके पास और दूसरी नहीं हो सकती। तो आप लोग इस तरह से सदिश राशियां और अदिश राशियों को याद करेंगे। 14 विषय पढ़ना है, बहुत सारा बर्डन होता है, लेकिन टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इस 14 विषय को आपको इतना आसान तरीके से पढ़ाएगी कि आप दोस्तों सोच भी नहीं पाएंगे कितनी जल्दी आपने चीजों को याद कर लिया है और कैसे आपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 120 नंबर ला दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को के बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा जो प्रश्न पिछली बार सुपर टेट की परीक्षा में आ चुके हैं। क्वेश्चन आया था कि 10^-10 सॉरी क्वेश्चन क्या दोस्तों आया था, 10^-16 ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये किसकी वैल्यू है, ये 10^-6 किसकी वैल्यू है, यह प्रश्न आ चुका है सुपर टेट की परीक्षा में। तो ध्यान देना इस पॉइंट को, कैसे याद करें हम, कैसे जाने की किसकी वैल्यू है, बहुत ही आसान तरीका है। आइए हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। इन मात्रकों को हम क्या कहते हैं, घातांकी मात्रक, इन्हें हम कहते हैं घातांकी मात्रक। तो घातांकी मात्रकों को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, घातांकी मात्रक। तो घातांकी मात्रक दो होते हैं, एक होता है धनात्मक, ठीक, और एक क्या होता है, एक होता है ऋणात्मक। तो भाई इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, और एक क्या होता है ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक क्या होता है ऋणात्मक अर्थात एक होता है नेगेटिव। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें कैसे पॉइंट्स को हम याद करेंगे। भाई देखिए प्रश्न कैसे बनता है, एक्सा, ठीक, प्रश्न बनेगा कि एक्सा की वैल्यू क्या होती है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका, ठीक। तो ये होता है धनात्मक मात्रक जिसको हम सीरियल से रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे हम जानेंगे कि ये किसकी, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सबकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि एक्सा की वैल्यू, पेटा की वैल्यू, टेरा की वैल्यू, गीगा की वैल्यू, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये सारी हमको वैल्यू याद करनी है और सबकी वैल्यू हमको आनी चाहिए। तो ध्यान रहे पहले, सबसे पहले आपको केवल एक वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, जैसे एक्सा की, कि ये होती है 10^18। ध्यान रहे ये कितनी होती है, 10^18। जितना हम आगे बढ़ेंगे घात में तीन तीन कम करेंगे, 10^15 तीन कम किया, 18 में तीन कम कितना हो गया, तो भाई तीन कम किया कितना हुआ, 15 हुआ। फिर आगे 13, तो 10^12। फिर देखिए फिर तीन कम किया इसमें हमने, फिर आगे बढ़ेंगे फिर तीन कम करेंगे 10^9। फिर आगे बढ़ेंगे 10^6। फिर आगे बढ़ेंगे 10^3। अब देखिए
हमने इसके पहले तीन तीन कम किया घातांकों में, घातकों में, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब क्या करना है, जब आपको ऑलरेडी तीन प्राप्त हो चुका है, अगर इसमें हम तीन घटाएंगे तो जीरो बचेगा, नहीं, तीन मिलने के बाद आपको घातांक में केवल एक एक कम करना है, तो हेक्टो क्या होगा, दस के घात दो और डे का दस घात एक हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका बहुत दोस्तों आसान है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे याद रहे इसका सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस हम किस प्रकार से याद करें। तो इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए मैं आपको एक और रामबाण ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम कहेंगे इश्क पे तेरा जीजा मेगा को किलो हेक्टो देगा। देखिए हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से याद करना है और याद करके अपनी एक सीट रिजर्व करनी है, उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। तो ट्रिक क्या है, इश्क पे तेरा जीजा मेगा को किलो हेक्टो देगा, इसको आप सीक्वेंस लगाएंगे। इश्क से क्या हो गया, इससे हो गया एक्सा, पे से क्या हो गया, पे से हो गया पेटा, तेरा क्या हो गया, तेरा जीजा क्या हो गया दोस्तों, गीगा, और मेगा से मेगा बन गया। आगे बढ़ेंगे, किलो से क्या बन जाएगा, किलो, तो किलो से किलो, हेक्टो से हेक्टो, और देगा से डेका। तो देखा ना, बहुत ही आसान तरीका है इस ट्रिक के साथ, यानी कि इश्क पे तेरा जीजा मेगा को किलो हेक्टो देगा, तो इश्क से क्या हो गया एक्सा, पे से पेटा, तेरा से टेरा, जीजा गीगा, मेगा से मेगा, किलो से किलो, हेक्टो से हेक्टो देगा और डेका। बहुत आसान तरीका है, और इसको सीक्वेंस में करने के बाद हम केवल एक वैल्यू एक्सा की वैल्यू हमको याद रहे, जो कि होती है 10^18, 10^18। ध्यान रहे, जो ये ट्रिक है ये उसके लिए है जो कभी विज्ञान नहीं पढ़ा है, यानी दोस्तों शिक्षक भर्ती में वे लोग जो विज्ञान बहुत कम मात्रा में पढ़ पाए हैं, केवल उनको याद कराने का प्रयास है। हम आगे भी ऐसे ट्रिक्स के साथ चीजों को याद करवाएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव धनात्मक। अगर मैं बात करूं आपसे ऋणात्मक की, तो वह भी क्या है, वह भी इसी तरह से मजेदार है। आइए देखते हैं कि नेगेटिव कैसे होता है। तो यहां दोस्तों क्या लिखा गया, ऋणात्मक। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें देखिए इसको याद करना है। अब इसमें जो पॉइंट होते हैं कैसे होते हैं, इसमें पॉइंट क्या होते हैं, एक्टो फेमटो, क्या होता है, एक्टो फेमटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी। ठीक, देखिए अब ये हो गया, ये इसका सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूं एक्टो की, तो एक्टो की वैल्यू क्या होती है, 10^-18। बस क्या करना है, घात पे आपको माइनस लिखना है, बाकी सब प्रोसेस पहले वाला है, यानी कि घात पे हमको क्या करना है, लिखना है माइनस। तो 10 की घात कितना, 18। फिर आगे बढ़ेंगे तो घात में तीन घटाएंगे तो फेमटो की वैल्यू क्या आएगी, 10 के घात 15। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर घात में तीन कम करेंगे तो पीको की वैल्यू क्या आएगी, 10^-9। आगे बढ़ेंगे नैनो, तो 10 के घात 1। विश्व दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, यहां होगा क्या आपका
10 के घात 12, ठीक। और ध्यान दीजिए उसके बाद क्या दिया गया है, नैनो, तो 10 घात माइनस 9। फिर फ्रेंड्स आगे दिया है माइक्रो, तो इसकी वैल्यू 10 घात माइनस 6। जी हाँ दोस्तों, यही पर मैं आपको लेके आ रहा था, यही वैल्यू आया था सुपर टेट की परीक्षा में, 10 के घात ऋण 6 किसकी वैल्यू है, तो अभी आपने देखा किसकी वैल्यू है, ये माइक्रो की वैल्यू है। यही 2018 सुपर टेट की परीक्षा में आने वाला प्रश्न यही था। तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 के घाते ऋण 6 होती है, ध्यान देना आप लोग। अब देखिए आगे मिली तो 10 के घाते ऋण 3 हो गया। फिर देखिए मैंने कहा था कि जब घात में 3 मिल जाएगा तो घात में केवल एक एक घटाएंगे, तो आगे सेंटी में 10 के घाते ऋण 2, डेसी में 10 घाते ऋण 1। लो हो गया तैयार, यानी कि बहुत आसान तरीके से इसे आप याद कर सकते हो। लेकिन वही बात यहां फंसी कि भाई सीक्वेंस में कैसे लगाए, तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है देसी फार्मूला। कैसे कहेंगे, कहेंगे एट्टो आया। कौन आया, एट्टो आया। अब कोई व्यक्ति जिसका नाम क्या है एट्टो, तो एट्टो आ गया, एट्टो आया, और क्या लाया अपने साथ, अपने साथ फेमटो लाया। एट्टो जब आया तो अपने साथ क्या लाया, अपने साथ फेमटो लाया। देखिए ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रिक आपके लिए नेसेसरी है, जो लोग जैसे याद करें वह उनके लिए दोस्तों वो उनका मतलब है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को ट्रिक पसंद आती है वो इससे जरूर याद करेंगे, क्योंकि निश्चित ही इससे परीक्षाओं में हेल्प मिल जाती है। तो ट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आपको चीजें याद है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा दो चार प्रश्न आगे रहोगे। तो देखिए एट्टो आया, फेमटो लाया, पीको ने नैनो दिखाया और माइक्रो गया दिल्ली। भाई कहां गया माइक्रो, देखो एट्टो आया, फेमटो लाया, तो पीको ने क्या किया, गुस्से में नैनो दिखाया, मतलब आंख निकाल दिखाया, नैनो दिखाया, और माइक्रो गया दिल्ली, और इसी बात पर नाराज होकर के माइक्रो कहां पहुंच गया, दिल्ली। तो माइक्रो गया दिल्ली और वहां उसे मिली। जब माइक्रो दिल्ली पहुंच गया तो वहां क्या हो गया, उसको कोई मिल गया, तो वहां उसे मिली, और पाते ही हो गया सेंटी, मतलब पाते ही क्या हो गया, सेंटी हो गया, और कहां आ गया, आ गया डेसी। तो भैया एट्टो आया था, फेमटो लाया, एट्टो आया, फेमटो लाया, और पीको ने नैनो दिखाया, माइक्रो गया दिल्ली, और जब दिल्ली गया क्या हुआ, वहां उसे मिली, और पाते ही हो गया सेंटी, और आ गया डेसी। तो ध्यान देना, इसको दो तीन बार जब आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से इसको आप याद कर लोगे। जहां तक रही सीक्वेंस की बात, तो पहले क्या है दोस्तों, पहले यहां पर क्या आया है, एट्टो आया है, फिर क्या आया है, फेमटो, उसके बाद क्या आया, पीको, फिर नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिली, फिर सेंटी, एंड फिर क्या है, डेसी। देखा, बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीकों के साथ आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः बताऊंगा मैं आपसे कि सुपर टेट का जो बैचेस है वो स्टार्ट है भारत के नंबर एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है टारगेट विद आलोक। आपको ऑनलाइन बैचेस के लिए जो जानकारी है, आपको 9125423939 और 36 इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जो भी प्रोसेस है उसके बारे में सारी जानकारी, सारी दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको संस्था के थ्रू प्राप्त तो हो जाएगी। तो देखा, इस आसान तरीके से आपको सुपर टेट में शिक्षण भर्ती की परीक्षा में मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज वाला पॉइंट्स आपका मैं खत्म करता हूं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।